आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदुओं के साथ ये करना में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? यह देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये मेरा बंगाल मां दुर्गा की पूजा करता है, शक्ति की उपासना करता है। ये बंगाल मां काली की उपासना करता है, समर्पित भाव से करता है। आप उस शक्ति के विनाश की बातें करते हो? ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को उसकी तुलना डेंगू मलेरिया ऐसे शब्दों से करें, और ये लोग तालियां बजाए, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माने सदस्य प्लीज, आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं, गांव का हो, शहर का हो, गरीब हो, अमीर हो, इस देश का हर बच्चा बच्चा ये जानता है, ईश्वर का हर रूप, आदरणीय सभापति जी, ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है, ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है।
निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ईश्वर के रूपों का इस प्रकार से खेल। आदरणीय सभापति जी, ये देश कैसे माफ कर सकता है।